नमस्कार, असीम आर्यावर्त में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गौरव और अभी जो चर्चा का एक विषय बना हुआ है वो ज्ञानवापी मस्जिद को लेके है। और इस पे जो न्यूज़ साइकिल, अगर कहें किसी न्यूज़ को जो एक कहें उसका जो सिलसिला चलता आ रहा है, तो इस ज्ञानवापी मस्जिद को लेके हम सप्ताह भर से देख रहे हैं कि इस पे बहुत ज़्यादा चर्चाएँ चल रही है। और अब ऐसा लगता है कि ये पोटेंशियली बहुत महत्वपूर्ण इवेंट हमें देखने को मिलेगा, जो कि पैराडाइम शिफ्ट जो कहें ऐसी स्थिति नजर आ रही है। तो इसमें हम देखेंगे कि क्या इसका इम्प्लीकेशन होगा फ्यूचर में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए, और इसमें हम देखते हैं कि पहले इसका एक इतिहास अगर देखें, आज से बस 30-40 साल पहले का जो इतिहास होगा वो मैं आपके सामने रखता हूँ कि ज्ञानवापी मस्जिद को लेके वहाँ पे उसके परिसर में कुछ मूर्तियाँ थी, कुछ इस तरह की प्रतिमाएँ थी जिसको हिंदू मानते थे कि वहाँ पे उनको पूजा करने की अनुमति मिले। अब वहाँ पे एक श्रृंगार गौरी करके देवी हैं, उनकी पूजा होनी है। और उनका मानना यह भी है कि वहाँ पे नंदी हैं, तो नंदी होने के कारण शिवलिंग भी जरूर होंगे, क्योंकि हिंदुओं में जो भी मंदिर है जहाँ शिवजी के जहाँ भी शिवलिंग होते हैं उनके सामने नंदी जरूर होते हैं, नंदी शिवजी के सवारी कहलाए जाते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसा कुछ मामला चल रहा था। 1991 में हिंदू पक्ष के द्वारा याचिका दायर की गई कि ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर में भी उनको पूजा करने की अनुमति मिले। जनरली होता है क्या कि मस्जिदों में कोई और धर्म के जो पूजा अर्चना है उनकी पद्धति है उनको अलाउ नहीं किया जाता, लेकिन इसीलिए ये केस फाइल हुई थी 1991 में। आपको ये भी बता दूं कि 1991 में राम जन्म भूमि का जो आंदोलन था वो भी काफ़ी चरम पे था, और इसीलिए उस समय की पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने एक कानून पास किया था जिसका नाम है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। इस कानून में ये प्रावधान दिए गए थे कि 1947 तक जो भी स्ट्रक्चर जैसे भी हैं वहाँ पे जो भी पूजा अर्चना होती है वो वैसे की वैसी रहेगी, जो स्टेटस को रहेगा वो 1947 तक जैसा है वही रहेगा। उसके बाद उस पर कोई भी अगर क्लेम करे 1947 के बाद से, तो वो केसेस डिसमिस हो जाएंगे, उस पर जो भी क्लेम्स रहेंगे उसको डिसमिस कर दिया जाएगा, उन पर कोई भी आगे फर्दर कार्रवाई नहीं होगी। ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कानून निकाला गया था, लेकिन इसमें तो इसीलिए उस समय की अदालत ने ये बात कही थी कि चूंकि ये नया कानून है और इसका डायरेक्ट इम्प्लीकेशन ज्ञानवापी मस्जिद का मामला जो चल रहा था उस समय उस पर आता है, तो पहले उस कानून को ठीक से पढ़ा जाएगा, समझा जाएगा, उसके बाद इस केस में आगे सुनवाई होगी। तो इसीलिए उस केस को स्टे कर दिया गया। फिर 1996 में फिर से ये जो मामला है वो आगे बढ़ा, और इस मामले में कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया कि वहाँ पे सर्वे होगा। तो ये पहली बार नहीं है कि जो सर्वे की बात अदालत ने की है वो आज नहीं, 2022 में नहीं, ये 1996 में भी आदेश दिया गया था। लेकिन 1996 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और उत्तर प्रदेश में गवर्नर रूल था, इसीलिए उस समय जब वो सर्वे करने गए तो मुस्लिम पक्ष के तरफ से वहाँ काफ़ी विरोध किया गया और वो सर्वे उस समय नहीं हुआ। और वहाँ की जो भी मतलब गवर्नरशिप में या फिर कांग्रेस की सरकार इसको मामले को आगे नहीं बढ़ाई। तो ये फिर सिलसिला चलता रहा, और हमें पता है कि हमारी न्याय प्रणाली जो भारत में वो काफ़ी सुस्त है, काफ़ी बोझिल है, बहुत सारे केसेस पेंडिंग है और बहुत सारे केसेस में सुनवाइयाँ काफ़ी सालों तक चलती आती है। जैसे कि राम जन्मभूमि जो केस है वो भी मामला 50 साल से ऊपर चला, काफ़ी अदालतों में गया, और इसी तरह ये भी ज्ञानवापी मस्जिद को लेके भी यही बात समझ में आती है। तो 2022 में फिर फैसला आया कोर्ट की तरफ से, जो कि वाराणसी की सिविल न्यायालय है उनकी तरफ से सर्वे की इजाजत दी गई और एक कमिश्नर अपॉइंट किया गया। अब ये कमिश्नर जब वहाँ पे सर्वे करने गए तो मुस्लिम पक्ष ने फिर से विरोध किया
और मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये भी याचिका उस सिविल कोर्ट में दायर की गई कि जो कमिश्नर है वो बायस्ड है, इसीलिए उनको सर्वे करने नहीं दिया जाए, उनको हटा दिया जाए। लेकिन कोर्ट ने ये बात मानी नहीं और उस कमिश्नर को सर्वे करने का फिर से आदेश जारी किया। साथ में पुलिस प्रेजेंस जो है, यानी पुलिस की स्थायी मौजूदगी में वहाँ पे सर्वे करवाने की बात कही गई। तो फिर 3 दिनों तक वीडियोग्राफिक सर्वे चला वहाँ पे। अब इनके जो रिपोर्ट थे वो अदालत में सबमिट होने थे, ये सीक्रेट कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट थे क्योंकि मामला चल रहा था, ये जुडिशियल कस्टडी में होना था, तो इसीलिए सबमिट जो रिपोर्ट जितने भी थी वो कोर्ट में ही जाके सबमिट होनी थी। लेकिन फिर भी इसमें कुछ लीक निकल के सामने आए और वो लीक इतने बड़े थे कि हिंदू समाज में एक बहुत ही बड़ा, अगर कहें कि आशा की किरण सामने नजर आती दिख रही थी और अभी भी है। तो ये बात नजर आई कि वहाँ पे शिवलिंग की मौजूदगी, यानी शिवलिंग का प्रेजेंस जो है वो देखने को मिला है। अब ये शिवलिंग कहाँ पे मिला, तो वजू खाना वो जगह होती है जहाँ पे जब भी मुस्लिम किसी मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं तो फिर वो पैर हाथ या मुंह जो धोते हैं उस जगह को वजू खाना कहा जाता है, और धोने की प्रणाली को वजू खाना कहा जाता है। तो यही वजू खाना में ही ये शिवलिंग मिला था एक कुएं के ढांचे के अंदर। जब मुस्लिम पक्ष से बात की गई तो उनका कहना था कि ये फव्वारे का ढांचा है, लेकिन जब इसको साफ किया गया तो फव्वारे जैसा कुछ उसमें मिला नहीं, कोई फाउंटेन जैसा, मतलब अगर पाइपलाइनिंग कहे या कुछ जो पानी का आने जाने की जगह, ऐसा कुछ मिला नहीं। ये साफ सुथरा करने के बाद ये शिवलिंग की ही मतलब शिवलिंग का ही स्वरूप देखने को मिला। अब इसमें मैं आपके सामने कुछ बातें रखूंगा जो कि ये कुछ आर्टिकल्स मैंने निकाल के रखे हैं, और इसमें ये बात आपको सबसे पहले ये देखने को मिलेगा कि मुस्लिम पक्ष जो था वो जो सिविल कोर्ट था उनमें उनका केस रद्द हो गया, मतलब जज ने उनके केस पे स्टे नहीं दिया, तो ये डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट चले गए। अब सुप्रीम कोर्ट में भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना के सामने के समक्ष उन्होंने ये केस रखा। अब जैसे मैंने इंडियन एक्सप्रेस की ये आर्टिकल मई 13 मई 2022 की आर्टिकल है जिसमें ये बात कही गई है कि ज्ञानवापी मस्जिद एसी डिक्लाइंस टू पास ऑर्डर ऑन प्ली सीकिंग स्टे ऑन इंस्पेक्शन। ये सुप्रीम कोर्ट बेंच हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना सेड इट वुड हैव टू फर्स्ट लुक इनटू द फाइल्स। यहाँ पे एक और भी है जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने ये बात कही, आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस केस, लेट मी लुक एट द पेपर्स, वी विल लिस्ट इट। फिर आगे भी ये कहा क्योंकि मुस्लिम पक्ष के तरफ से जो एडवोकेट थे अहमदी, उन्होंने ये कहा कि मतलब वो परसिस्टेंट थे कि उनको केस स्टे मिल जाए, सर्वे का स्टे मिल जाए। उस समय सर्वे 3 दिनों तक जो चलना था या चल रहा था उसको रोकने का ये इमरजेंसी, अगर अर्जेंसी पिटीशन ये कह सकते हैं। तो वही कहा, काउंसिल आई डोंट नो एनीथिंग, ये सीजीआई की तरफ से बात कही गई, हाउ कैन आई पास एनी ऑर्डर, सॉरी। He added he will go through the files and decide if and when it should be listed. Suddenly you are mentioning. अब ये बात इसीलिए कही है चीफ जस्टिस ने कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में तो ये केस चल नहीं रहा, तो कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो ज्ञानवापी से रिलेटेड है वो वहाँ पे सबमिट नहीं है, तो इसीलिए अगर डॉक्यूमेंट्स इस तरह के या फाइलिंग या लिस्टिंग नहीं हो तो उस पर जजेस फैसला नहीं देते। लेकिन फिर जाके जब वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आए तो लिस्टिंग हुई इस केस की, और डीवाई चंद्रचूड़ जो जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट में उनके समक्ष फिर इस पे सुनवाई हुई। मैं उसकी भी बात आपके सामने रखूँगा। लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि सिविल कोर्ट के अलावा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, यानी जिला न्यायालय है, उसके बाद उच्च न्यायालय है जो कि उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद हाईकोर्ट है, उसके बाद आता है सुप्रीम कोर्ट। तो मुस्लिम पक्ष ने सारे को बाईपास करके डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में ही अपना पक्ष रखा।
इसको कहते हैं कि बहुत ज़्यादा सहूलियतें, अगर आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में लिस्टिंग कर सकते हैं इमरजेंसी, मतलब इमरजेंसी लिस्टिंग में, तो ये एक तरह से बहुत बड़ी बात होती है। अब यहाँ पे ऐसी एक और आर्टिकल है जो डीवाई चंद्रचूड़ जी के समक्ष, जो मैंने जैसे बताया कि केस फिर से सुनवाई हुई, अब वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट डज नॉट बार डिटरमाइनिंग द रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ ए प्लेस रिफ्यूजर्स टू ओवरटर्न ऑर्डर। जो जैसे मैंने बताया था कि जो वाराणसी की सिविल अदालत है उनके तरफ से जो फैसला आया था उसको ओवरटर्न करने के लिए मुस्लिम पक्ष ने फिर ये यहाँ पे सुनवाई करने की बात कही थी सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन यहाँ पे 3 जजों की जो बेंच है कंप्राइजिंग जस्टिसेस डी वाई चंद्रचूड़, सूर्यकांत एंड पी एस नरसिम्हा, उनके तरफ से ये बताया गया गिवन द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द केस एंड सेंसिटिविटीज इन्वॉल्व द केस शुड बी हर्ड बाय ए सीनियर एंड एक्सपीरियंस्ड जज। तो ये भी एक फैसला आया सुप्रीम कोर्ट के तरफ से, और जो केस था सिविल अदालत में उसको उठा के ट्रांसफर कर दिया गया जिला अदालत में, जिला न्यायालय में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के तरफ से यह मानना है कि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स और सेंसिटिव केस है, तो इसीलिए उसको एक एक्सपीरियंस्ड और सीनियर जज के समक्ष इसकी सुनवाई होगी, जो कि वहाँ की जिला अदालत में, जिनका एक्सपीरियंस 20-25 साल होगा। उसके बाद एक और इसमें बात कही गई है, आगे भी पढ़ सकते हैं इसमें, और भी जो केसेस में सिलसिला चला है उसके बारे में है, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात जो समझ में आई है, जिसको मैंने कहा कि पैराडाइम शिफ्ट करने वाली बात है, एसर्टेनमेंट ऑफ रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ प्लेस ऑफ वर्शिप नॉट बार्ड अंडर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व। द रिमार्क वॉज मेड बाय जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ड्यूरिंग द हियरिंग ऑफ ज्ञानवापी काशी विश्वनाथ केस। अब ये आप देख सकते हैं, ये जो आपका स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है ये पुराने मंदिर का स्ट्रक्चर है, ये जो आपको दिख रहा है ये ज्ञानवापी मस्जिद है, ये है आपका काशी विश्वनाथ का अभी का जो मंदिर है वहां पे। काशी विश्वनाथ का मंदिर भी पुराना है, लेकिन ये उतना पुराना नहीं है जितना ये काशी विश्वनाथ का पुराना मंदिर हुआ करता था, जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी तोड़ दिया और उसके बाद औरंगजेब ने पूरी तरह से ध्वस्त करके उस पर मस्जिद वहां पे बनी। ये वाला जो काशी विश्वनाथ का मंदिर है, ये इसके टूटने के बाद अहल्याबाई होलकर जो इंदौर की महारानी थी उन्होंने ये बनवाया था। अब यहाँ एसरटेनमेंट की जो बात है, ये इसका मतलब यही है कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है वो इसको रोकता नहीं है कि कोई भी जगह की पहचान, जो उसका कैरेक्टर है उसका, जैसा वहाँ पे अगर क्लूज मिलते हैं, कोई सुराग मिलता है कि वो पहले कुछ और हुआ करता था, तो ये उस कानून में ऐसी कोई बात नहीं कही गई है कि आप इस तरह से पहचान नहीं कर सकते हैं। यही बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बात कही गई। अब मैं आपको यहाँ पे बार बार प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जिक्र हुआ है, तो मैं आपको प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का एक छोटा सा समराइज्ड वर्जन आपके सामने रखता हूँ। यहाँ पे पॉप इंडिया में आर्टिकल है जो डिटेल में बताया गया है, 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट ने इसको पास किया था। इसमें वही जो से मैंने बताया कि 1947 तक जो स्टेटस वो रहेगा, लेकिन इसमें एक एग्जेम्पशन भी थी। एग्जेम्पशन ये थे, बिसाइड द लॉ एग्जेम्प्ट्स एनी प्लेस ऑफ वर्शिप व्हिच इज एन एंशिएंट हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट और एन आर्कियोलॉजिकल साइट कवर्ड बाय एंशिएंट मॉन्यूमेंट और एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958। तो ये बेसिकली अगर कहे तो उस समय राम जन्मभूमि को लेके था, क्योंकि वो केस चल रहा था कोर्ट में, और वहाँ पे जो मस्जिद थी बावड़ी, वो बाबर के समय की बनी थी, तो अगर कहें तो 1947 में तो वो मस्जिद ही वहाँ पे थी, तो इसीलिए प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के मुताबिक वो बाबरी मस्जिद ही होती। लेकिन इसमें एग्जेम्पशन दिया गया था कि जो उससे भी पहले यानी उससे भी पुराना अगर वहाँ पे कोई ढांचा मिलता है, उसके साक्ष्य मिलते हैं, जो कि राम जन्मभूमि के अवशेष मिले हैं पुराने जो मंदिर थे वहां पे, तो उस पे क्लेम किया जा सकता है। ये एग्जेम्पशन प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में है, इसके कारण ही फिर
आप देख सकते हैं कि 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्ष के मतलब फेवर में फैसला दिया था, जब उन्होंने पूरी की पूरी राम जन्मभूमि जो है वो हिंदुओं के अधीन में कर दी थी। अब वहां पे बहुत ही भव्य एक मंदिर बन रहा है। यही प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है जिसका बार बार जिक्र आया है, और इसमें फिर ज्ञानवापी मस्जिद और शाही ईदगाह। तो एक तो हिंदुओं के लिए स्वतंत्रता के बाद से तीन जगह हैं जो महत्व बहुत उसका महत्व है, वो है आपके राम जन्मभूमि, दूसरा ज्ञानवापी काशी विश्वनाथ, और तीसरा आपका ये कृष्ण जन्मभूमि जो मथुरा में है। तो इसमें वहां पे भी केस चल रहा है, लेकिन इसमें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इसमें भी लागू होता है, इसमें एग्जम्पशन नहीं, इसमें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ही लागू होता है, क्योंकि ये जो मस्जिद का ढांचा है ये बाद में खड़ा किया था, और ये पूरा का पूरा इलाका जो है, ये परिसर जो है वो कृष्ण जन्मभूमि या जो कृष्ण मंदिर है उनके अधीन आता है। तो इसीलिए इसको हटाने के लिए भी एक याचिका दायर की गई थी, जिसको पहले के सिविल कोर्ट ने डिसमिस कर दिया था, लेकिन फिर मथुरा की कोर्ट ने, मथुरा की जिला अदालत ने इसको फिर से रिवाइव कर दिया है और उस पर सुनवाई होगी। इसी तरह से कर्नाटका में भी हनुमान टेम्पल इन श्रीरंग पटना वॉज कन्वर्टेड इंटू जामिया मस्जिद क्लेम्स एक्टिविस्ट सीक परमिशन टू वर्शिप इन साइड द मॉस्क। तो इसी तरह जैसे हिंदुओं ने ज्ञानवापी को लेके भी एक अनुमति मांगी थी कोर्ट से कि वहाँ पे उनको पूजा करने की अनुमति मिली, इसी तरह से कर्नाटका में भी जामिया मस्जिद जो है श्रीरंग पटना में, उसमें हनुमान टेम्पल की बात कही गई है कि वहाँ वो साक्ष्य मौजूद हैं कि वहाँ पे हनुमान मंदिर हुआ है करता था, तो इसलिए वहाँ भी पूजा करने की इजाजत मिली। इसी तरह अगर देखें तो मध्य प्रदेश में भी हाई कोर्ट एडमिट्स पिटीशन सीकिंग स्टे ऑन नमाज अलाउड बाय ASI इन भोजशाला टेम्पल कॉम्प्लेक्स। ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से जो वहाँ पे एक सरस्वती मंदिर है भोजशाला में, वहाँ पे ASI ने मुस्लिमों को नमाज पढ़ने की इजाज़त दी है, जबकि वो एक मंदिर हुआ करता है और आधा अभी भी मंदिर है, लेकिन वहाँ पे नमाज मुस्लिम नमाज पढ़ते हैं, तो इसीलिए वहाँ पे भी केस फाइल हुई है जिसको मध्य प्रदेश के उच्च अदालत ने एडमिट किया है। वो याचिका जो दायर हुई थी उस पर सुनवाई करने की सहमति जताई है कि वहाँ पे नमाज पढ़ने को स्थगित किया जाए, और उसके बाद वहाँ पे भी सर्वे की बात की गई है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, एंड द प्रोडक्शन ऑफ कलर्ड फोटोग्राफ ऑफ द इंस्क्रिप्शन विद इन द कॉम्प्लेक्स, इट ऑल्सो आस्क द यूनियन गवर्नमेंट टू कंडक्ट रेडियो कार्बन डेटिंग ऑफ द आर्टिफैक्ट एंड स्कल्पचर्स विच आर लोकेटेड इनसाइड द मॉन्यूमेंट। तो वही सर्वे की बात यहाँ भी है, तो आप देख सकते हैं कि ये अभी आपके जो सिलसिला जो है वो चल रहा है, इसीलिए मैंने बताया था शुरुआत में कि ये पैराडाइम शिफ्ट है। इसी तरह अगर आप आगे देखें तो हिंदुओं की तरफ से और भी इस तरह के स्थल हैं, उन पर फिर केसेस फाइल करने की बात कही गई, या सरकार से अपील या न्यायालय से अपील हिंदू की तरफ से होना शुरू होगा सॉरी आगे जाके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, स्क्रैच विवादित ढांचा फाइंड अ मंदिर, अ लिस्ट ऑफ हिंदू टेंपल्स डिस्ट्रॉयड ओवर सेंचुरीज ऑफ इस्लामिक रूल वेयर मस्जिद एंड दरगाह स्टैंड नाउ इन चैप्टर 6 हिस्टोरियन वर्सेस हिस्ट्री। राम स्वरूप मेंशन दैट डिटेल ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ हिंदू टेंपल फाउंड देयर प्लेस इन राइटिंग्स ऑफ बोथ ब्रिटिश एंड मुस्लिम हिस्टोरियन। तो दो बुक्स हैं, जो बुक सीरीज अगर कहें, वो हिस्टोरियन सीताराम गोयल अलॉन्ग विद अदर ऑथर्स अरुण सौरी, हर्ष नारायण, जय दुबासी एंड राम स्वरूप, इनके तरफ से सीरीज ऑफ बुक पब्लिश हुई थी, हिंदू टेम्पल्स व्हाट हैपेंड टू देम। इनमें लगभग 2000 ऐसे मंदिरों की बात की गई है जिनके ऊपर आज मस्जिद खड़ी है, जिसका रिकॉर्ड जो बुक में मेथोडोलॉजी यूज की गई है वो प्रमाण साक्ष्य ब्रिटिश और इवन की जो इस्लामिक इन्वेडर्स और उनकी जो
हिस्टोरियन यानी उनके जो इतिहासकार है उनके डॉक्यूमेंटेड एविडेंस के मुताबिक यहाँ पे ये रिकॉर्ड बताया गया है कि लगभग 2000 मंदिर इस तरह से तोड़ के बनाए गए थे जिसके ऊपर मस्जिद खड़ी है आज। तो ये पूरा लिस्ट है, आप इसको देख सकते हैं, बहुत सारे राज्यों में कई जगहों पे इस तरह की लिस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो मैं इसका, अगर आपको पढ़ने में इंटरेस्टेड है तो मैं इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वीडियो के, और आप इसको पढ़ सकते हैं। और ये तो 2000 जो मंदिर है इनकी बात तो बुक में की गई है, लेकिन हिंदुओं का मानना है तो इससे कहीं कहीं ज़्यादा बड़ी तादाद में इस तरह के मंदिरों को तोड़ा गया था। और इसीलिए ये अगर कहें तो पैराडाइम शिफ्ट वाली बात है, और इसमें हिंदू पक्ष के लिए काफ़ी ज़्यादा फेवर निकल के सामने आ रहे हैं, और इसीलिए बहुत ज़्यादा विरोध भी हो रहा है, क्योंकि सेक्युलर जो एथनोसिटी कहें इथॉस जो भारत की है वो डिस्टर्ब हो रही है, तो बहुत सारे लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। लेकिन अब देखते हैं कि आगे क्या इसमें फैसला आता है। एक राम जन्मभूमि में हिंदुओं की जीत से उनको काफ़ी ज़्यादा हौसला मिला है, और अभी ये केस भी चल रहा है और साथ में कई और केसेस भी अदालतों ने सम्मिलित किया है, तो उस पर भी सुनवाई होगी। ये डे टू डे हियरिंग तो नहीं है, लेकिन जैसे जैसे इस पर सुनवाई होती है वैसे वैसे अपडेट आपके सामने मैं ला के रखूँगा। तो आज के लिए इतना ही, और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर कुछ और इसमें सामने आता है तो वो भी मैं आपके सामने जरूर रखूँगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फिर से मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।